अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर फ्रॉम स्टडी स्कूलिंग सिस्टम। हाउ आर यू ऑल? रोहान, अली हसन, अब्दुल वासे, दुआ फातमा, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, टेक आउट योर मैथमेटिक्स बुक एंड ओपन पेज नंबर 100। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 100 पे हमारे पास आज का थर्ड लेक्चर है, विच इज़ यूनिट फ्रैक्शन। हम यूनिट फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि यूनिट फ्रैक्शन होता क्या है। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ फ्रैक्शन डेट इज़ अ पार्ट ऑफ अ होल इज कॉल्ड अ यूनिट फ्रैक्शन। ऐसा फ्रैक्शन जो पूरे होल का एक पार्ट हो उसको यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। यूनिट का मतलब होता है वन। एक पूरा होल है, इसका एक पार्ट, एक एक पार्ट क्या कहलाता है? यूनिट फ्रैक्शन। मतलब ये एक पूरा होल स्क्वायर था, इसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। टू पार्ट्स में कर लिया डिवाइड, द स्क्वायर इज डिवाइडेड इन टू टू इक्वल पार्ट्स। हमने टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। जो टोटल पार्ट्स होते हैं कितने हैं? टू। तो टू तो आ जाते हैं डिनोमिनेटर में। नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। और ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? न्यूमिनेटर। कितने पार्ट्स हैं? वन पार्ट ये रहा, वन पार्ट ये रहा, तो वन अपॉन टू इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। देखें, वन हाफ, वन अपॉन टू को बोलते हैं हाफ। हाफ मतलब आधा। इसमें क्या बता रहे हैं? वन आउट ऑफ टू इक्वल पार्ट्स इज कलर्ड। वन आउट ऑफ टू, दो में से एक पार्ट हमारे पास क्या है? कलर्ड है। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा। ऊपर वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं? न्यूमिनेटर। नीचे वाली वैल्यू को बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में टोटल वैल्यू आती है और न्यूमिनेटर में वो वैल्यू आती है जो डिवाइड की हुई होती है। जैसे दो में से हमने एक पार्ट में कलर किया हुआ है, वन आ गया ऊपर। अब इसी तरह ये वाले स्क्वायर को देखते हैं। द स्क्वायर इज डिवाइडेड इन टू थ्री इक्वल पार्ट्स। ये स्क्वायर कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है? थ्री। तो थ्री डिनोमिनेटर में आ जाएगा नीचे। टोटल वैल्यू थ्री है, थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। और ये कितना पार्ट है? वन पार्ट ये रहा, वन पार्ट ये रहा, वन पार्ट ये रहा, तो न्यूमिनेटर में आ जाएगा वन, वन थर्ड। जो तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं वन थर्ड, और जो दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं वन अपॉन टू, मतलब हाफ, और उसको बोलते हैं वन थर्ड। वन आउट ऑफ थ्री इक्वल पार्ट्स इज कलर्ड, मतलब तीन में से एक पार्ट जो है हमारे पास कलर्ड है। तो न्यूमिनेटर में क्या आ जाएगा? जो पार्ट कलर्ड होता है वो आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? जो टोटल पार्ट्स होते हैं। टोटल पार्ट्स यहाँ कितने? थ्री। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे आएगा थ्री, क्योंकि इसके टोटल पार्ट्स कितने हैं? थ्री। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह हम ये नीचे वाली एक्सरसाइज में भी कर सकते हैं। सिंपली वी कैन डिवाइड अ होल शेप इन टू इक्वल पार्ट्स एज बिलो। मतलब पहले तो हाफ था, वन अपॉन टू था, वन थर्ड था, तीन पार्ट्स थे। इसी तरह वन फोर्थ, वन फाइव, वन सिक्स, वन सेवन, वन एट, आगे चलते रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे। ये देखें कितने पार्ट्स हैं स्क्वायर के? ए वन टू थ्री फोर, फोर पार्ट्स हैं इसके, तो फोर डिनोमिनेटर में आ गया। और कितना पार्ट कलर है? वन, तो वन न्यूमिनेटर में आ गया, तो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा? वन फोर्थ। वन फोर्थ इसमें आए, मतलब वन फोर्थ इज वन आउट ऑफ फोर इक्वल पार्ट्स इज कलर्ड, मतलब चार में से एक पार्ट जो है हमारे पास कलर्ड है। इसी तरह ये क्या है? वन फिफ्थ। इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? वन अपॉन फाइव, डिनोमिनेटर में आ गया फाइव। क्यों? क्योंकि फाइव पार्ट्स हैं, फाइव में से वन पार्ट कलर्ड है, तो ये बता रहे हैं वन आउट ऑफ फाइव इक्वल पार्ट्स इज कलर्ड, मतलब पाँच में से एक पार्ट जो है कलर्ड है। इसमें भी वही है, सिक्स में से वन पार्ट कलर्ड है, तो ये हो जाएगा वन सिक्स्थ। सेम इसी तरह इसमें सेवन में से वन पार्ट कलर्ड है, तो इसमें आ जाएगा वन सेवेंथ। इसमें एट में से वन पार्ट कलर्ड है, तो ये आ जाएगा वन एट्थ। इसमें वन नाइन पार्ट्स में से वन पार्ट कलर्ड है, तो आ जाएगा वन नाइन्थ। सो इसी तरह वन टेंथ, वन इलेवेंथ और वन ट्वेल्थ, मतलब इन सब में से पूरे होल में से वन वन पार्ट कलर्ड है।
सो स्टूडेंट्स, हमारे पास सेकेंड बुक एक्सरसाइज क्या है, लुक एट द शेप्स, कलर वन पार्ट एंड राइट द फ्रैक्शन। मतलब ये हमारे पास शेप्स गिवन है, इसमें से वन पार्ट को कलर करना है। कितने? वन पार्ट को हमने कलर करना है और उसको फ्रैक्शन में लिखना है और फिर इनवर्स में भी लिखना है। मतलब मैंने पहले से इन चारों शेप्स के वन वन पार्ट को कलर कर लिया। आपको समझाने के लिए, 1, 2, 3, 4 टोटल कितने पार्ट्स हैं इस ट्राइंगल के? 4। तो 4 यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया नीचे, और कितने पार्ट कलर हैं? 1। तो 1 आ गया न्यूमिनेटर में। तो इसको इनवर्स में कैसे लिखेंगे? मतलब वर्स में लिखना है 1 आउट ऑफ 4। मतलब 4 में से एक पार्ट हमारे पास कलर्ड है। इसी तरह इसका क्या है फ्रैक्शन बनेगा? 1, 2, 3 टोटल पार्ट्स हमारे पास कितने हैं? 3। तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3, नीचे डिनोमिनेटर आता है 3। कितने पार्ट्स कलर्ड हैं? 1, ऊपर आ जाएगा 1। तो इसका इनवर्स फ्रैक्शन क्या लिखेंगे? 1 आउट ऑफ 3। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह आपको बी ये दो पार्ट्स भी करने हैं। सो स्टूडेंट्स, इस टाइम टू रैप अप, इट इज़ इनफ फॉर टुडे। आपको फर्दर वीडियोस में आगे के असाइनमेंट मिल जाएंगे, आगे का वर्क मिल जाएगा। आई होप कि आप सबको ये समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।